नमस्कार भैया, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल साइन न्यूज़ सीरीज में स्वागत है। मैं हूँ सोनू सत्या और आप लोग देख रहे हैं साइन न्यूज़ सीरीज यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जो कि आप देख रहे हैं, जो कि इस चैनल के माध्यम से एक नया चेहरा, जो कि आज हम भैया से बात करेंगे, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं, जो कि प्रदीप पांडे, चिंटू हो गए, प्रमोद प्रेमी, जो कि न जाने कितने कलाकार के साथ इन्होंने कोरियोग्राफर किए, यानी डांस मास्टर। चलिए भैया से आज बात करते हैं और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो पे बने रहेंगे। तो भैया कैसे हैं आप? नमस्ते जी। भैया सबसे पहले आप अपने दर्शक को ये बताएं, आप रहने वाले कहाँ के हैं? एक्चुअली मैं प्रॉपर नेपाल से हूँ जी। तो पहले मैंने नेपाली मूवी काफ़ी की है, बहुत सारी फिल्में की है। उसके बाद में गोरखपुर में मैंने शुरुआत किया। अच्छा, गोरखपुर से यूपी से शुरुआत किया। अच्छा भैया, सबसे पहले आप शुरुआत मतलब इस लाइन में भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से शुरुआत की ये बताइए। आई थिंक मुझे तो अब याद तो नहीं है, लेकिन 15-16 साल तो हो चुके होंगे। बच्चे से आप स्टार्ट किए? हाँ, इस लाइन में। जी जी। अच्छा, तो सबसे पहले मतलब नेपाल से, तो क्या भोजपुरी का भाषा आप समझते थे? नहीं, मैं एक्चुअली दिल्ली से, मेरा पैदाइशी दिल्ली में हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो मैं हिंदी प्रॉपर बोल लेता था और भोजपुरी में डायलॉग वगैरह तो बोल नहीं सकता हूँ, बट गाना मैं आराम से वो समझ देता हूँ। लेकिन कोई कोई वर्ड्स होते हैं मुझे भी मिस हो जाते, तो मैं पूछ लेता हूँ जी, बट इतना कठिन नहीं है मेरे लिए। सर सबसे पहले दर्शकों को बताएं, आप कौन कौन स्टार के साथ आप काम किए हैं? अलवाइस, अभी मेरे जो आपके खेसारी, पवन जी हैं और दिनेश जी हैं, हाँ इन तीन चार लोग को नाम छोड़कर, क्योंकि अभी मेरा सारे चीज़ फाइनल एग्रीमेंट हो गया, इनके साथ में भी काम, काम कर लिए। रहा हूँ। बट अभी भी जितने भी हमारे हीरो लोग आए हुए हैं, सभी लोग हैं, ये तो नहीं बोलूँगा कि सभी लोग एक ही है। हाँ। उन लोग के साथ में मैंने सब चीज़ का, सबके साथ में काम कर चुका हूँ। अब जितने भी हमारे सिंगर लोग हैं, अभी अलवाइस बस। चलिए मास्टर, जैसा कि आपके काम से सब लोग खुश हो जाते हैं, मतलब क्या आप फीलिंग डालते हैं लोग के ऊपर? बहुत लोग होते हैं, हम देखे हैं, बहुत डायरेक्टर को, कोरियोग्राफर को मतलब टाइम खींचना चाहते हैं, लेकिन आपको हम हर समय देखें, फिल्म के सेट हो गए या गाने के सेट है, मतलब जितना टाइम लगे, लेकिन जो हमें क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी, मतलब किस तरह से आप चाहते हैं मेहनत करके और सिंगर को आकर्षित करना, ये सब थोड़ा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा भोजपुरी में नया ट्रेंड लाना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन बहुत लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं कि समझते नहीं, उनके हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। अच्छा, एक होता है एल्बम करना फ्रीडम हिसाब से, एक होता है फिल्म होता है बाउंडेशन में करना, ये टाइमिंग है आपका, ये स्टोरी है, आप ये भाग नहीं भाग सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छी मूवी का गाना मैं ऑडियंस को दूँ। यानी आपका सोचा, जैसे कि पहले भोजपुरी में लो लेवल का बनता था, लेकिन अब कम से कम आपके माध्यम से भी तो कुछ अच्छा चले बनता नहीं, है। नहीं वो बात नहीं मेरी, जैसे कि तो? गाने को लोग छोटा समझते हैं। हाँ। 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ऐसा समझते हैं। लेकिन गाना किस तरीके से वीडियो बनते हैं, किस तरीके से मेहनत करते, वही चीज़ है। और अभी आपने इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा कि आप गाने को क्यों कैसे सजाते। एक्चुअली मैं जो जिस हिसाब से संगीत भरते हैं, गाने जिस हिसाब से लिरिक्स लिखते हैं, गाने को कंपोजिशन होकर म्यूजिक तैयारी करता है, तो मैं गाने में डूब जाता हूँ। अच्छा, तो मैं चाहूँ कि वही हिसाब से मैं भी अपना फील डालूँ। अच्छा मास्टर जी, अपने दर्शकों को अपना नाम नहीं बताए थे, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, उनका नाम क्या है, नाम पहले बता दीजिए, जिस नाम से आप फेमस हैं। मेरा नाम एक ही नाम है, विवेक थापा। अच्छा, यही नाम से। अच्छा, ये दर्शकों आज यहाँ इस लेवल तक है, लेकिन जब आपने इंडस्ट्री में आए तो कभी ऐसा हुआ कि मुझे कोई पैर खींचे, ऐसा कुछ दबाव आपके साथ हुआ कभी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, माता रानी की कृपा से ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी भी किसी के असिस्टेंट करके नहीं आया। और बट दूसरी बात क्या है कि मैं इस लाइन में पढ़ के आया हूँ। अच्छा। मैंने कोरियोग्राफी में, डायरेक्शन के साथ में मैंने पढ़ा, फ्रेमिंग क्या है, ब्लॉकिंग क्या है, सारी चीज़ पढ़ के आई। तो थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि अच्छा करूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी अब जो भी आए सीख के आए और अगला को भी सिखा रहे हैं, है ना, वही बात है। तो अब आप इंडस्ट्री से क्या उम्मीद रखना चाहेंगे और आपका क्या सोच है हाई लेवल कुछ काम करने का तरीका? इंडस्ट्री से तो मैं कुछ भी उम्मीद नहीं रखूँगा, बस मुझे ऑडियंस, दर्शक लोग से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिले, उनका आशीर्वाद मिले, है ना। और मेरा बिग प्लानिंग भी कुछ भी नहीं है, बस एक होता है जीना इसी में, मरना इसी में, बस मुझे प्यार दीजिए और मैं एक से एक गाना अच्छे से करूं और आप लोग के पास में। अच्छा सर, आपका ऐसा कोई ख्वाहिश मतलब ऐसा कुछ बचा है कि नहीं मैं
और भी अच्छे अच्छे लोगों को प्रोजेक्ट करूँ ताकि मुझे और भी खुशियाँ मिले और भी कुछ ऑफर मिले, ऐसा कुछ आपका कुछ सोच? नहीं, मुझे ऐसा नहीं मिले, मुझे ज़्यादा प्रोड्यूसर का फिल्म भी नहीं करना है। अच्छा। बट क्योंकि जो मेरे साथ में फिल्म करे बस वही मुझे समझे कि गाना होता क्या है, क्योंकि भोजपुरी में ट्रेंड चेंज करना चाहता हूँ मैं जी। जिस तरीके से गाना नाम तो नहीं लूँगा, हमारे मास्टर लोग भी बहुत सारे लोग हैं, वो हिसाब का ट्रेंड में छोड़ना पड़ता हूँ, लेकिन मजबूरी बेस मुझे भी वही करना पड़ता है। अच्छा, तो क्या बोले अच्छा आप भोजपुरी में सबसे बेस्ट एक्टर किसे मानते हैं? ये तो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है, फिर भी आपके है ना? माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं जिनके माध्यम से आप काम किए हैं, जो कि आपके मतलब पर्दे पे नहीं, जो कि जैसे हम आपस में मिले, मेरा कैसा स्वभाव आपका कैसा स्वभाव, इस माध्यम से कौन सा एक्टर आपको सबसे बेस्ट लगे बात विचार से ऐसा कुछ? इसके लिए तो प्लीज़ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे सभी लोग प्यार देते हैं, सभी लिए मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, चलिए अच्छी बहुत चीज़। एक बार काम कर लेते तो उसके बाद में प्यार देना शुरू होता है, बस वही चीज़ है। मास्टर जी इतना इन्फॉर्मेशन आप लोग तो दर्शक को बता दिए, लेकिन मैं दर्शक से ये कहना चाहता हूँ जो कि आप लोग देखते हैं जो कि डांस, लेकिन यही गुरु होते हैं सबको, जो कि यही लोग सिखाते हैं ताकि वो लोग डांस कर पाते, तो मैंने इनका इंटरव्यू इसीलिए लिया ताकि पर्दा का पर्दे पर तो हीरो दिखते हैं जैसे हम हैं तो मुझे पहचानते हैं, लेकिन मेरे पीछे जो कैमरामैन होते हैं सबसे मैं मालिक उनको मानता हूँ, इसी प्रकार से सबसे बड़ा मालिक होते हैं जो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, एडिटिंग मास्टर, लाइट मास्टर, बहुत ऐसा लोग होते हैं इन लोगों को दिखाना नहीं चाहते, लेकिन मेरा जो सोच है वो हर एक आदमी को पर्दे पर मतलब न्यूज़ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करना, इसीलिए मास्टर जी को मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलवाता हूँ। तो मास्टर जी आज आपको कितना खुशी मिला जो कुछ लोग आपको देख रहे हैं? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिला। आपका चैनल का नाम ये चैनल साई न्यूज सीरीज, हाँ, इसको बहुत ज़्यादा प्यार करिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, सब्सक्राइबर भी और बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा, आपका नाम सोनू, हाँ सोनू जी, सोनू जी ने मुझे ये लाइक समझा, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर। सर जाते जाते अपने दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं दर्शक को यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक थापा है, मैं नेपाल से हूँ और नेपाल और इंडिया ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है आप लोग ने, बस मुझे और आशीर्वाद दीजिएगा। चलिए भैया आप लोग को इस विषय पर क्या है कहना नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।